व्हाट्सएप ने आखिरकार एंड्रॉइड स्मार्टफोन से आईफोन में डेटा ट्रांसफर करने के फीचर को रोल आउट कर दिया है। अभी तक व्हाट्सएप पर चैट, मीडिया और दूसरे जरूरी डेटा को पुराने एंड्रॉइड फोन से नए एप्पल डिवाइस में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। व्हाट्सएप ने ट्विटर पर बताया कि चैट को रखने का एक नया तरीका जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आज आपके पास अपने पूरे चैट हिस्ट्री को एंड्रॉइड से iOS में ट्रांसफर करने की कैपेसिटी होगी। अब आपको अपने पसंदीदा डिवाइस से स्विच करने का फ्रीडम भी है। यदि आप एंड्रॉइड से आईफोन में जा रहे हैं तो आप अपने अकाउंट की जानकारी, प्रोफाइल फोटो, पर्सनल चैट, ग्रुप चैट, चैट हिस्ट्री, मीडिया और सेटिंग ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि कॉल हिस्ट्री या डिस्प्ले नेम ट्रांसफर नहीं होगा। आपको बता दें, ट्रांसफर करने के लिए आपको एंड्रॉइड डिवाइस, एंड्रॉइड OS, लॉलीपॉप SDK 21 या इसके बाद के वर्जन या एंड्रॉइड 5 या उसके बाद के वर्जन की जरूरत पड़ेगी। वहीं अगर आईफोन की बात करें तो आईफोन का iOS 15.5 या इसके बाद के वर्जन होने जरूरी है। अपने डेटा को एंड्रॉइड से आईफोन में ट्रांसफर करने का क्या प्रोसेस है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अपने एंड्रॉइड फोन पर मूव टू iOS ऐप खोलें और स्क्रीन पर दिखने वाले कमांड्स को फॉलो करें। उसके बाद आईफोन पर एक कोड दिखेगा, इसे अपने एंड्रॉइड फोन पर एंटर करें। ट्रांसफर डेटा स्क्रीन पर व्हाट्सएप ऑप्शन को चुनें। उसके बाद अपने एंड्रॉइड फोन पर स्टार्ट टैप करें और व्हाट्सएप को इंपोर्ट के लिए डेटा तैयार करने का इंतज़ार करें। नेक्स्ट स्टेप में डेटा तैयार होने के बाद आपको अपने एंड्रॉइड फोन से साइन आउट कर दिया जाएगा। मूव टू iOS ऐप पर लौटने के लिए अगले स्टेप पर जाएं। नेक्स्ट स्टेप में अपने एंड्रॉइड फोन से अपने आईफोन में डेटा ट्रांसफर करना जारी रखने पर टैप करें। इसके बाद ट्रांसफर की कंफर्मेशन के लिए मूव टू iOS का वेट करें। ऐप स्टोर से व्हाट्सएप का नया वर्जन इंस्टॉल करें। उसके बाद व्हाट्सएप खोलें और अपने पुराने डिवाइस पर यूज किए गए उसी फोन नंबर का इस्तेमाल करके उसको लॉगिन करें। इसके बाद स्टार्ट पर टैप करें और प्रोसेस को पूरा होने दें। नेक्स्ट स्टेप में मूव टू iOS ऐप के साथ जोड़ने के लिए फैक्ट्री न्यू या फैक्ट्री सेटिंग पर रीसेट करें। इसके बाद आपके दोनों डिवाइस एक पावर सोर्स और एक ही वाईफाई नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए और इतना करने के बाद आपका सारा डेटा एंड्रॉइड से iOS में ट्रांसफर हो जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर पे आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए सनराइज। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।